सभी जानते हैं कि कालचक्र चार खंडों में विभाजित किया गया है, जिसे चार युगों के नाम से जानते हैं। पहला युग है सतयुग, जिसमें पाप की मात्रा 0% होती है और पुण्य की मात्रा 100% होती है। त्रेता युग में पाप की मात्रा 25% और पुण्य की मात्रा 75% होती है। इसी प्रकार प्रत्येक युग में पाप बढ़ता जाता है और पुण्य का कार्य घटता जाता है। जैसे द्वापर युग में पाप और पुण्य की मात्रा बराबर यानी 50-50% होती है और अंत में कलयुग में पाप की मात्रा 75% और पुण्य की मात्रा 25% ही रह जाती है। इसके बाद पुनः सतयुग आता है और चारों युगों का प्रारंभ होता है। हम सभी जानते हैं कि सभी युग में भगवान विष्णु का अवतार होता है और वो सभी पापियों का अंत करके एक नए युग की नींव रखते हैं। इसी तरह कलयुग के अंत में भी कल्कि अवतार होने का वर्णन मिलता है, जो कलयुग का अंत करके सतयुग की स्थापना करेंगे। ये तो हम जान गए कि कलयुग का अंत कैसे होगा, लेकिन बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न भी आता है कि कलयुग की शुरुआत कैसे हुई। तो चलिए जानते हैं कि कलयुग की शुरुआत आखिर कैसे हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञानोहोलिक। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद कई वर्षों तक पांडवों ने शासन किया। फिर उन्होंने अपना सारा राजपाट राजा परीक्षित को सौंप दिया और स्वयं हिमालय की ओर निकल गए। उन दिनों स्वयं धर्म बैल का रूप लेकर गाय के रूप में बैठी पृथ्वी देवी से सरस्वती नदी के किनारे मिले। गाय रूपी पृथ्वी की आंखों से आंसू बह रहे थे। पृथ्वी को दुखी देख धर्म ने उनसे उनके दुख का कारण पूछा। धर्म ने कहा कि देवी तुम क्यों दुखी हो, कहीं तुम ये देख कर तो नहीं रो रही कि मेरा बस एक पैर है, या तुम इस बात से दुखी हो कि अब तुम्हारे ऊपर बुरी ताकतों का शासन होगा। इस पर पृथ्वी देवी बोली, हे धर्म, तुम तो सब कुछ जानते हो, ऐसे में मेरे दुख का कारण पूछने से क्या कोई लाभ है। भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम जाने की वजह से कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। जब तक भगवान कृष्ण के चरण मुझ पर पड़ते थे तो मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानती थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो गया है, इसलिए मैं दुखी हूँ। धर्म और पृथ्वी आपस में बात कर ही रहे थे कि इतने में असुर रूपी कलयुग वहाँ आ पहुँचा और बैल और गाय रूपी धर्म और पृथ्वी को मारने लगा। राजा परीक्षित वहाँ से गुजर रहे थे। जब उन्होंने ये दृश्य अपनी आँखों से देखा तो कलयुग पर बहुत क्रोधित हुए। अपने धनुष पर बाण रखते हुए राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, दुष्ट पापी, तू कौन है? इस निरीह गाय तथा बैल को क्यों सता रहा है? तू महान अपराधी है, तेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं, तेरा वध निश्चित है। राजा परीक्षित ने बैल के रूप में धर्म और गाय के रूप में पृथ्वी को पहचान लिया। परीक्षित राजा ने उनसे कहा, हे वृषभ रूपी धर्म, आप अपने ऊपर अत्याचार करने वाले का नाम भी नहीं बता रहे हैं। हे धर्म, सतयुग में आपके तप, पवित्रता, दया और सत्य चार चरण थे, त्रेता में 3 चरण रह गए, द्वापर में 2 ही रह गए और अब इस दुष्ट कलयुग के कारण आपका 1 ही चरण रह गया है और पृथ्वी देवी भी इसी बात से दुखी है। इतना कहकर राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग थरथराने लगा। कलयुग भयभीत होकर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित ने शरण में आए हुए कलयुग को मारना उचित न समझा और उससे कहा, कलयुग, तू मेरे शरण में आ गया है, इसलिए मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूँ, किंतु अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेक उपद्रवों का मूल कारण केवल तू ही है। तू मेरे राज्य से अभी निकल जा और फिर कभी लौटकर मत आना। परीक्षित की बात को सुनकर कलयुग ने कहा कि पूरी पृथ्वी पर आपका निवास है, पृथ्वी पर ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां आपका राज्य ना हो, ऐसे में मुझे रहने के लिए स्थान प्रदान करें। कलयुग के ये कहने पर राजा परीक्षित ने सोच विचार कर कहा, झूठ, द्यूत, मद्यपान, पर स्त्री गमन और हिंसा, इन स्थानों में असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास होता है, तो इन 4 स्थानों पर रह सकता है। इस पर कलयुग बोला, हे राजन,
ये चार स्थान मेरे रहने के लिए अपर्याप्त हैं, इसलिए मुझे कोई अन्य स्थान भी प्रदान कीजिए। इस मांग पर राजा परीक्षित ने उसे स्वर्ण के रूप में पांचवा स्थान प्रदान किया। स्वर्ण रूपी स्थान मिलते ही कलयुग ने राजा परीक्षित के सोने के मुकुट में वास कर लिया। कलयुग इन स्थानों के मिल जाने से प्रत्यक्षता तो वहाँ से चला गया, किंतु कुछ दूर जाने के बाद अदृश्य रूप में वापस आकर राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में निवास करने लगा। वहीं से कलयुग की शुरुआत हुई। फिर इन स्थानों पर रहकर धीरे धीरे कलयुग मनुष्य के मन पर अपना प्रभाव बढ़ाता चला गया और कलयुग अपने पैर पसारता चला गया और आज इसने लगभग सभी मनुष्यों के मन पर अपना कब्जा जमाया हुआ है, जिससे समाज में पाप की मात्रा अत्यधिक और पुण्य की मात्रा बहुत ही कम रह गई है।